अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो किसी को चाहे तो बना दे, किसी को चाहे तो बिगाड़ दे। जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग किसी की छवि खराब करने के लिए या छवि बनाने के लिए करते हैं, वही सोशल मीडिया कभी कभी उल्टा ही कुछ पड़ जाता है। ऐसा एक वाकया अभी हाल ही में भाजपा के साथ हुआ है। दरअसल भाजपा टोल करने गई थी राहुल गांधी को, लेकिन खुद भाजपा ही उलझ गई। हम सभी जानते हैं इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, और इस यात्रा पर राहुल गांधी निकले। अब विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, और कहीं ना कहीं इस यात्रा को जो पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, तो बीजेपी ने दुष्प्रचार फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिर चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, उस पर राहुल गांधी के पहने हुए टी शर्ट का फोटो डाला और ऐसा बताया कि राहुल गांधी का यह टी शर्ट 41,000 रुपये कीमत का है। राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। आप तस्वीर में देख सकते हैं वो टी शर्ट जो चर्चा में है इस समय, जो राहुल गांधी ने पहना हुआ 41,257 रुपए की। और ये बकायदा भाजपा के एक पेज पर, फेसबुक पेज का फोटो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 16 मिलियन फॉलोअर्स इस पेज पर है। 16 मिलियन फॉलोअर्स वाले इस पेज पर बीजेपी ने ये पोस्ट किसी ने की। जब ये पोस्ट की गई तब शायद बीजेपी ने यह सोचा होगा कि कहीं ना कहीं इस पोस्ट से राहुल गांधी को घेरा जाए, लेकिन यह पोस्ट बीजेपी के ऊपर ही उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इस पोस्ट के ऊपर 41,000 से ज्यादा कमेंट आए हैं। 41,000 से ज्यादा कमेंट आए हैं, अगर उन कमेंट को देखा जाए तो जितने कमेंट है ज्यादातर कमेंट पोस्ट के विरोध में, यानी कि राहुल गांधी के सपोर्ट में, जबकि इस पेज पर 16 मिलियन फॉलोवर है। फॉलोवर का मतलब सीधी सी बात है, जो जिसको पसंद करता हो उसी को फॉलो करेगा। तो जो लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, बीजेपी को पसंद करते हैं, वही लोग फॉलोवर है। उन 16 मिलियन फॉलोवर में से किसी ने कमेंट किया या नहीं किया मालूम नहीं, किया होगा बहुत लोगों ने, लेकिन 41,000 कमेंट में उसमें इन्होंने एक कमेंट किया है, वो उसके औकात है पहनने की, खानदानी है, फिर नीचे तंज कसा हुआ ये बताओ कि भीख मांगने वाले 10 लाख का सूट और 17,000 का पेन कहां से अफोर्ड करते हैं। एक ने लिखा है ये टी शर्ट 6,000 में मिल रही है, फर्जी एडिटिंग करना तो भाजपा का बहुत पुराना काम है। एक लिख रहा है आपकी चिंता बढ़ रही है, आप लाजमी है नीचता दिखा दिए अपनी। एक ने जो मैंने अभी कहा वो लिखा है, आज पहली बार भाजपा के पेज पर भाजपा के खिलाफ कमेंट देखे, मतलब साफ है गिनती उल्टी शुरू हो गई है। एक ने उससे भी ज्यादा कुछ आगे बढ़कर लिखा है, उन्होंने लिखा है उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इधर जनता बीजेपी के पेज की अंतिम यात्रा, डिलीट मत करना बस। तो काफी इंटरेस्टिंग इस पर कमेंट्स आए हैं। एक ने काफी बड़ा कमेंट लिखा है, जिसके घर में 3 PM रहे हो उसके कपड़ों जूतों पर सबकी नजर, और जो भीख मांगकर गुजारा करने का दावा करे उसकी रईसी पर किसी को हैरत ही नहीं। कल तक किसानों के पिज्जा खाने पर सवाल कर रहे थे, एसी में किसी किसान को देखकर चीनिया पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ रहे थे, जब उन्हीं गलत के जवानों ने मेडल दिए तो गर्व करते वक्त भी हिचक नहीं आई। IT सेल को अब जागरूक जनता के लिए मानसिक विकास में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि अब ठगी बेकावे या फेक न्यूज की पहचान होने लगी है। एक ने लिखा है भारत को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे राहुल गांधी जी द्वारा पहनी हुई टी शर्ट की कीमत बताने वाले भाजपा के लोगों को डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, आटा, दूध, दाल की कीमतें भी इस देश के जनता को बतानी चाहिए।
इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी कमेंट्स जो है वो दिखाई देंगे, और ये कमेंट्स कहीं ना कहीं लोगों की अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इन कमेंट्स में से काफी कमेंट्स ऐसे हैं जिनको दिखाया जाना या बताया जाना हमारे लिए उपयुक्त भी नहीं है, और मैं दिखाना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर जो मैंने पोस्ट के शुरू में, इस वीडियो के शुरू में कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी की छवि बिगाड़ने से पहले खुद हमें यह सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। अभी शायद भाजपा पछता रही होगी कि उसने ये पोस्ट की और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।